Internet. 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 मैं एक एक्टर हूं और आज हमने यहां जो रैली निकाली है इसमें स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, वेरियस आर्टिस्ट्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और हम सब मजबूरन आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ा क्योंकि 150 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अभी तक इंटरनेट सर्विसेज ऑन नहीं है और सिर्फ रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि इंटरनेट कल ऑन हो रहा है, इंटरनेट परसों ऑन हो रहा है। एक प्रॉपर क्लैरिटी, एक प्रॉपर एश्योरेंस किसी को नहीं मिल रही है। हम स्टेटमेंट जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि विद इन फेजेस हम इंटरनेट को ऑन करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम साथ साथ पूछना चाहते हैं ये एश्योरेंसेस कब तक हमें मिलती रहेंगी क्योंकि 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, एक हमें प्रॉपर टाइम बॉन्ड नहीं मिला कि इस डेट को ऑन होगी या इस डेट को ऑन होगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू हमेशा से पीसफुल रहा है, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी हाल नहीं कुछ ऐसा काम किया जिससे माहौल ख़राब हो। और जम्मू के आज युवा स्टूडेंट्स दूर दूर से आए हैं ये डिमांड करने कि इंटरनेट ऑन करें। स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अपने पैसे दिए थे और वो पैसे वेस्ट हो गए हैं। अब हर बंदे के पास वाईफाई तो है नहीं, ब्रॉडबैंड तो है नहीं, तो सभी मोबाइल इंटरनेट पे ही थे, तो इन सबकी यही डिमांड है। यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इनकी भी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इंटरनेट ऑन करें क्योंकि प्राइवेट एक जगह आप बात करते हो डिजिटल इंडिया की और जम्मू को आपने 100 दिन से डिजिटल इंडिया से अलग रखा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी इंटरनेट सर्विसेज ऑन होनी चाहिए और हमें एक प्रॉपर एश्योरेंस, एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, कोई बोलता है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, कोई बोलता है पीस मिलिटेंसी की वजह से। हमें एक प्रॉपर एश्योरेंस मिले, एक टाइम बॉन्ड मिले कि कब ऑन हो रहा है ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई सफ़र ना हो, हम आर्टिस्ट जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इनका जो टैलेंट है, इनकी जो कला है वो वेस्ट ना हो, और उसके बाद जो हमारे बिजनेसमैन है इनका जो बिजनेस है वो जिन्होंने नया नया शुरू किया था उनका बिजनेस खराब ना हो। हमारे